कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी वो दावों पर खरी नहीं उतरी है, और उसके कारण से जो एसओपी उन्हें जारी करने चाहिए, चाहे वो साप्ताहिक बाजार के एसओपी हों या फिर बसों के डीटीसी बसों की चलाने की बात हो एसओपी हो, तो वो कहीं ना कहीं एसओपी को मार्केट साफ खोल रहे हैं। तो एसओपी सही से पालन किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। आप दूसरों पर दोष देने की बजाय, जो आपने कहा था कि आप 70 विधानसभाओं में मशीनें आएंगी और काम करेंगे, आज कहीं भी सैनिटाइजेशन उनके द्वारा नहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें कही है तो उनके संज्ञान में लाए, उन्होंने कहा जरूर इस पर विचार करेंगे और हम टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। सर मेट्रो 7 तारीख तक शुरू हो रही है, कितना एसओपी बनाया गया है ये राज्य सरकार ने भी, कैसे देखते हैं कैसे जब मामले बढ़ रहे हैं और मेट्रो को खोलने का कितना? दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की विफलता दर्शाता है, और दिल्ली जो दिल्ली मेट्रो है आज दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन है, और वो लोगों की इससे ज्यादा कोई सुगम ट्रांसपोर्ट नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने भी एसओपी बनाई है और अभी एलजी साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि एसओपी का पालन हो इसके लिए हर बोगी में, हर कंपार्टमेंट में सीआईएसएफ का जवान भी होगा जो फॉलो लेने के लिए, जिसकी वजह से लोग कई बार जो एसओपी है उसका पालन नहीं करते, तो पालन सही तरीके से हो इसके लिए भी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। और दिल्ली मेट्रो वास्तव में दिल्ली के लोगों की धड़कन है, दिल्ली के लोग मेट्रो से चलना पसंद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 7 सितंबर को जब दिल्ली मेट्रो प्रारंभ होगी तो बहुत सारी परेशानियां लोगों की हैं, जिनके पास वाहन नहीं है, जो ड्यूटी जाना चाहते हैं, जिसको हॉस्पिटल जाना है, जरूरी काम से जाना है, तो वो जा सकते हैं।